अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नेवी के। आज हमारे सामने जो बाइक है ये है होंडा सी बी 150F। ये है 2019 मॉडल इस बाइक का, और आज मैं आप सबके लिए इस बाइक का रिव्यू लाया हूँ। इससे पहले मैं इसका ओनर रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन उसमें क्योंकि ऑडियो क्वालिटी का मसला हो गया था तो मैंने सोचा दोबारा कर लेते हैं, ताकि आपको ऑडियो भी क्लियर मिलेगी और सब कुछ एक प्रॉपर वे के थ्रू मिलेगा। तो होंडा सी बी 150 वैसे तो काफ़ी अच्छा बाइक है, और ऑनर से पूछते हैं क्योंकि मैंने तो इसको चलाया भी हुआ है, चलाने में भी काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल भी है। बाकी क्योंकि ऑनर ने इसको ज़्यादा टाइम तक रखा है तो ऑनर इसको मेरे से ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में कि इस बाइक के प्रॉस क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। तो चलें ऑनर को बुलाते हैं। तो सबसे पहले तो आप बताएं कि आपने ये बाइक यूज़ में लिया था या न्यू लिया था? मैं न्यू लिया था 2018 में अगस्त 21। अच्छा जी, ओह ये 2018 मॉडल है जी। अच्छा, मैंने गलती से उन्हें बता दी इंट्रो में। चलो, इस बाइक की प्राइस उस वक्त क्या थी? उस वक्त जब आपने इसको लिया था तब कितने का मिला? 172 का मिला था रजिस्ट्रेशन के साथ। बिल्कुल, है ना, रजिस्ट्रेशन के साथ मुझे तकरीबन 5,000 पर देने पड़े थे, तो मैक्सिमम 177 का पड़ गया था मुझे। अच्छा, 177 का पड़ गया। अभी तकरीबन मैंने 87 चला लिया। अच्छा, उसके अलावा ये बाइक आपने लॉन्ग पे लेकर गए हैं? 100-150 किलोमीटर किया होगा आने जाने का? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, मैक्सिमम कितना किया? मैक्सिमम मैं डेली यूसेज के लिए सिर्फ 20-25। अच्छा, डेली यूज के लिए बस यूज किया? डेली यूज के लिए, कभी मुल्तान से बाहर लेकर नहीं गया। मुल्तान से बाहर नहीं लेकर गया। अच्छा, उसके अलावा अब जारी सी बात है आपने लॉन्ग ड्राइव नहीं की। अच्छा, जितना भी आपने मतलब फॉर एग्जांपल अब 25 आपने जाने का किया और आने का किया, या 25 जाने का और 25 आने का? उसी के अंदर, 25 के अंदर ही आना जाना। अच्छा, उसी में ही एक्सपीरियंस इसका कैसा था? कंफर्टेबल था बाइक? कंफर्टेबल है। रोड ग्रिप कैसा है? रोड ग्रिप चलाने में रोड ग्रिप सही है, लेकिन ब्रेक्स जब आगे फ्रंट की लगती है तो टायर फिसल जाता है आगे का। अच्छा, सबसे मेन प्रॉब्लम यही। अच्छा, उसके अलावा इस बाइक को आप डेली यूज करते हैं ना? बिल्कुल। अच्छा, डेली उसके लिए आप इसको रखते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अगर इस बाइक की गुड एंड बैड की बात की जाए, आपने जितना भी इसको चलाया है, तो आपको इस बाइक के बारे में अच्छी क्या चीज़ लगी है, बुरी क्या चीज़ लगी है इस बाइक के बारे में? इसके बारे में सब अच्छा ही है, लेकिन बुरा तो सिर्फ फ्रंट ब्रेक ही है जो लगाने से आगे वाला टायर पिसल जाता है, लेकिन ग्रिप नहीं आगे। ब्रेक सही होगी? ब्रेक सही है, जो टायर का इशू होगा, टायर की ग्रिप का इशू होगा। अच्छा, बाकी कंफर्टेबल है? बाकी कंफर्टेबल है हर चीज़ के लिए। अच्छा, इस बाइक के आप फीचर्स बताएं ज़रा। फीचर्स इसमें ये कि लेफ्ट असेंबली में आपको डिपर देखने को मिल जाता है, राइट असेंबली में आपको क्या नाम है, किल स्विच नहीं मिलता, ये उसकी कमी मुझे महसूस होती है। अच्छा, मोस्टली बाइक्स के अंदर डिपर नहीं होता, इस बाइक के अंदर डिपर मिल रहा है ना? बिल्कुल। और किल स्विच की कमी आपको फील होती होगी इस बाइक के अंदर? बहुत, किल स्विच नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मीटर देखें आप, मीटर का बताएं ज़रा, मीटर कैसा है इसका? इसका फील कैसे मीटर है, वो कभी मसला नहीं किया इसने। एक्यूरेट है? एक्यूरेट है बिल्कुल। बाकी स्पीडोमीटर इसका एक्यूरेट है और आरपीएम मीटर? हर चीज़ में एक्यूरेट है। अच्छा, तो बाद में कभी कभी ये हिल जाता है, क्या नाम है, आरपीएम मीटर, अगर ज़्यादा स्पीड लेके जाओ तो ये हाई रेफ पे हिलता है। हाई रेफ पे हिलता है, 9 हाई रेफ पे, मतलब 9 के ऊपर आ गया एकदम पागल सा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा ट्रिप भी है इस बाइक के अंदर और गियर इंडिकेटर भी? बिल्कुल। और ये क्या है? अच्छा, तो स्टार्टर लॉक मैग्नेटिक की लगा है। हां, ये जो बाइक को सेफ रखता है हर चीज से, ना बाइक किसी की चाबी, मतलब किसी और की, किसी कोई और चाबी नहीं लगा सकता, कोई भी लगा नहीं सकता, सेफ रहती है बिल्कुल इससे। अच्छा, उसके अलावा इस बाइक की आपने पेट्रोल एवरेज क्या अचीव किया और आपने स्पीड कितनी रखी थी? मैक्सिमम स्पीड तो मेरी होती है सिटी के अंदर भी नॉर्मली 60-80, इससे ज़्यादा ऊपर तो लेके गए ही नहीं मैं कभी इसको। और मैक्सिमम इसकी पेट्रोल एवरेज तो मुझे मिलती है 38 किलो का लीटर पर किलोमीटर पर लीटर मिलती है। अच्छा, 38 तक, 38 भी सही है। 38 सही है इस हिसाब से, इस बाइक के हिसाब से, 150 के हिसाब से। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी पेट्रोल एवरेज थोड़ी सी ज़्यादा मिलनी चाहिए थी आपको। अब खैर, वो आप यूज़र हैं, आपको ज़्यादा पता है। इसके अलावा इस बाइक की अगर कंफर्ट की बात करें, कंफर्ट के बारे में बताएं। कंफर्ट हर चीज़ के लिहाज से बेहतर है, कंफर्ट के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त। रोड ग्रिप का ही मसला है जो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, रोड ग्रिप का मसला रहता है, वो भी टायर की वजह से, बाकी ऑलमोस्ट ठीक है बाइक, बट टायर अगर चेंज हो जाता है तो फिर शायद ये मसला भी रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, टॉप स्पीड कितनी? टॉप स्पीड अभी तक बाइक्स में, इसी 150 बाइक्स में तो ये होंडा की जो है मैक्सिमम, हर किसी का यही रोल है कि भाई मैक्सिमम 95-100, किसी की 110, आज तक तो कभी किसी गई नहीं, पूरी 120 से ऊपर तक कभी किसी की नहीं गई।
नहीं सुजुकी का जो है उसमें तो, लेकिन होंडा क्या, मैं होंडा की आपको बता रहा हूँ, होंडा का बता रहा हूँ, जो भी यूज़र हैं जितने भी आप पेज ज्वाइन किया हुआ मैंने उसमें भी सब यही का स्पीड का मसला कहते हैं। अच्छा। किसी की 90 करी, किसी की 9500, मैक्सिमम इसकी स्पीड है ही नहीं ना कि किसी ने एक्यूरेट बताई हो कि इतनी चल चुकी हो, इतनी स्पीड आप हाई वे लेके जा रहे हैं इसको। अच्छा, उसके अलावा इस बाइक के पार्ट्स मिल जाते हैं इजीली? पार्ट्स? अच्छा, और पार्ट्स की प्राइसेस क्या हैं? पार्ट्स मतलब आपको महंगे मिलते हैं पार्ट्स, सस्ते मिल जाते हैं? पार्ट्स बहुत महंगे मिलते हैं, वो भी उनकी अपनी शोरूम से। अच्छा, आपने मुझे एक बार बताया था आपने कुछ रिप्लेस करवाया था इसका हेडलाइट आई थिंक, है ना? नहीं, अभी कुछ रिप्लेस नहीं करवाया, पहले मंगवाया, पहले करवाया था, पहले जो करवाई थी वो क्या कॉस्ट पड़ी थी आपको और क्या चेंज करवाया था आपने? मैंने आके कहा क्या नाम है, वाइजर चेंज करवाया था इसका। अच्छा, वाइजर चेंज करवाने मुझे कॉस्ट तकरीबन ये पड़ गई थी 1500 रुपये का वाइजर पड़ गया था। 1500 रुपये का? अच्छा, अब हर मुख्तलिफ सिटीज़ में हर प्राइस अलग अलग है, अब मुल्तान में इतने तक का ही मिला है। अच्छा, उसके अलावा इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी पड़ जाती है? मैकेनिक्स आपसे कितने, मतलब ट्यूनिंग के लिए कितने लेते हैं? ट्यूनिंग के लिए तकरीबन 400 लेते हैं, वो भी होंडा के, सिर्फ होंडा के। अच्छा, सही ट्यूनिंग कर देते हैं, कोई मिसिंग वगैरह का इशू नहीं करता अभी तक तो, नहीं कोई इशू हुआ फिलहाल। अच्छा, कोई स्पीड में आपको फर्क लगा हो? मैकेनिक्स मतलब बिल्कुल सही काम कर लेते हैं इसके लिए तो काम कर लेते। अच्छा, इस बाइक ऑयल चेंज आप कितने किलोमीटर बाद करवाते हैं और ऑयल कौन सा? ओह, क्या नाम है उसका, होंडा का ही, होंडा का जो 150। अच्छा, इसके अलावा इस बाइक को क्या आप दूसरों को रिकमेंड करेंगे? मैं करूँगा, लेकिन अगर जो फैमिलीज वाले हैं उनके लिए तो रिकमेंड नहीं, जो शौकीन है उनको रिकमेंड करेंगे। इसको रिकमेंड क्यों करेंगे आप? कंफर्ट की वजह से? कंफर्ट की वजह से, स्पीड स्पीड के बाद स्पीड का तो नाम ही नहीं लेंगे ना, जो जिसको स्पीड पसंद है वो ये नहीं ले तो बेहतर ही है। अच्छा अच्छा, इसकी सुना है शुरू की पिकअप है, मैंने खुद भी चलाया है, शुरू की पिकअप है शुरू, लेकिन पिकअप एंड में, एंड में आके फिर तो आपने मतलब चलाया हुआ है, आपको ज़्यादा पता होगा फिर, होती है ये। अच्छा, एंड में मतलब नहीं है, शुरू की बस पिकअप, शुरू की पिक है। अच्छा, और दूसरी बाइक से ज़्यादा 125 का नाम है, यामाहा 125 हो गया उनसे ज़्यादा ही। तो उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़, कोई एक्सीडेंट हुआ आपका? एक्सीडेंट तो 2-3 दफ़ा हो चुका है। अच्छा, एक अच्छा व्यूवर्स आपको एक और चीज़ बताऊँ, एक तो हमारे सामने हुआ था ये, मैंने भाई से कहा कि ना आप ज़रा स्लो मोशन क्लिप लें, इन्होंने स्लो मोशन के चक्करों में बाइक को ही स्लो मो नीचे गिरा दी। मेरे पास वो क्लिप है नहीं अभी अवेलेबल, वरना मैं वो ज़रूर पोस्ट करता, और वो डिलीट हो गया था। आपके पास पड़ी है? हो सकता है। अच्छा चलो, अच्छा उन्होंने ना ये बाइक न्यू लिया था, और न्यू उन्होंने लिया था 3 दिन ही हो गए थे, दो या तीन दिन हुए थे 3 दिन बाद हमने रिव्यू किया था, तीन दिन बाद हम रिव्यू के लिए आए थे इस बाइक के, और रिव्यू के लिए जब आए थे तो उस दिन इन्होंने मोड़ पे डिस्क ब्रेक मार दी, लेकिन बाइक नीचे बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ था वो वाला बताएं। हर दफ़ा इसी वजह से हुआ है, डिस्क की वजह से, तब चलाए तो हल्की ही है। अच्छा, लेकिन बाज़ अवकात भारी की वजह से मल नहीं पाती। अच्छा, कोई कभी ऐसे रोड पे कीचड़ वगैरह था जब दूसरी बार आपका एक्सीडेंट हुआ है, या सिंपल रोड जैसे ये वाली रोड है? अब जाहिर है आप क्या नाम है, इंडिकेटर देखे मोड़ है, लेकिन अदर किसी को नहीं आउट होके चला जाता। अच्छा, सेम ऐसे ही, और गिरा भी इसी साइड पर ज़्यादातर। अच्छा, ये इस साइड पर? इस साइड, लेकिन बच जाते हैं, हर दफ़ा बच जाते हैं, इसलिए कोई चीज़ डैमेज नहीं होती। अच्छा, आपको एक और चीज़ भी दिखाऊंगा, जो जो चीज़ डैमेज हुई है ना इन्होंने उस पर क्या क्या काम करवाया वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। अब जो क्लिप चलेगा आप क्लिप में देख रहे होंगे कि इसके अंदर इन्होंने क्या क्या चेंज करवाया है, या जो चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं थी उस पर अब इन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफिकेशन आपको वो दिखा दूंगा सिंपली। इसके अंदर मैंने ये पेपरिंग करवाई है, ये और वो इस वजह से करवाई थी क्योंकि इसकी चीज़ें अवेलेबल शुरू शुरू में नहीं थी, गिरी थी तो स्क्रैचेस वगैरह पड़ गया था, इसकी लुक्स के लिए फिर मैंने चेंज कर लिया इसकी फ्रंट को। और दूसरा ये कि ये है इसके ऊपर भी स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए थे, इस वजह से करवानी पड़ी इसके ऊपर। अंदर टायर के इसके नीचे मोशन लाइट्स लगवाई हैं मैंने, जो टायर घूमने पे जलती हैं, ठीक है। दूसरा ये कि इसके अंदर टैंकी के नीचे ब्लू कलर की लाइट्स लगवाई हैं उसको, और पीछे भी मोशन लाइट है, और सिलेंसर के अंदर भी येलो लाइट लगवाई हुई है। अच्छा। दूसरा ये कि सबसे मेन फीचर जो है, जो मैं आपको बताना भूल गया था, इसकी डी एल एल से प्यारा हमारा ये दोस्त रिमोट, जो यानी कि यूँ समझ रहे सबसे बड़ा शशका इस चीज़ का ही है, जो आप लोगों के बीच में खड़े होते हैं और बाइक स्टार्ट, और लोग देख के हैरान हो रहे होते हैं कि भाई ये कहीं स्टार्ट कैसे हो गया, लोग पूछते हैं इस बारे में, लेकिन इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है इसका, ये इसके प्राइस में मैक्सिमम ये 1400 रुपये तक का मिल जाता है। अब हर जगह से अब मिल तो जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से लगवाना, लगाने वाला भी कोई होना चाहिए इसका कि जो सही तरीके से लगा दे। अक्सर जो रिमोट्स आ रहे हैं वो बीच में ही बंद हो जाते हैं, चलने के बाद थोड़ा सा आगे गए आगे ऊपर क्या नाम है पूरा सिस्टम ही ऑफ हो जाता है, बाइक चल रही होती है आपकी। ये सबसे बड़ा मसला है मैकेनिक्स का, जो सही तरीके से नहीं लगाते। अच्छा, उसके अलावा अब करते हैं इस बाइक का साउंड टेस्ट, उसके बाद मैं आपको इस बाइक की टेस्ट राइड करके दिखाऊँगा।
सो गाइज लेट्स स्टार्ट अवर टेस्ट राइड। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले इस बाइक के कंफर्ट लेवल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अभी तो स्पीड इसकी स्लो है, तो स्लो स्पीड में मैं आपको बता देता हूँ, स्लो स्पीड में बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है इस बाइक के अंदर। और इसको मैं जब ट्रैक पे लेके जाऊँगा, ट्रैक पे मैंने इसको थोड़ा सा भगाया भी है, और भगाते हुए भी इसकी वाइब्रेशंस मुझे बहुत कम फील हुई हैं। जब तक 60 क्रॉस नहीं करो इस बाइक के अंदर आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होती। उसके अलावा इस बाइक की अगर पेंट एंड मिल क्वालिटी की बात कर ली जाए, तो इस बाइक की जो पेंट एंड मिल क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी बनाई गई है। और उसके अलावा अगर बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए, तो बाइक के टायर्स जो हैं वो इतने ख़ास नहीं हैं, ख़ासतौर पर जो फ्रंट टायर है जिसमें डिस्क लगी हुई है। बाइक की डिस्क ब्रेक बहुत अच्छी है, इफेक्टिव डिस्क ब्रेक है फ्रंट पर, लेकिन क्योंकि इसका टायर की ग्रिप आप देख सकते हैं, इसकी जो ग्रिप है वो CD70 जैसी है, तो ग्रिप इस तरह की होने की वजह से टायर अक्सर स्लिप कर जाता है। अक्सर गलती ऑनर की भी होती है कि उनको डिस्क मारने नहीं आती, अक्सर जगहों पर ये टायर भी स्केट कर लेता है। उसके अलावा अगर बाइक की रोड ग्रिप की बात कर ली जाए, तो इस टायर की होने की वजह से रोड ग्रिप इतनी ख़ास नहीं है। वैसे सही है, बाइक हाई स्पीड में इधर उधर नहीं जाता, लेकिन आपको जब ब्रेकिंग के टाइम आती है, तो ब्रेकिंग के टाइम में अगर आप सही तरह डिस्क मार लें, अगर आपको मारने आती हो, तो फिर तो बाइक सही है, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो नया बंदा होगा उसे बाइक स्लिप हो जाएगा, जैसे कि इस बाइक के ऑनर से हुआ था। उसके अलावा अगर बाइक के सीटिंग पोस्चर की बात कर ली जाए, तो इसका सीटिंग पोस्चर बड़ा मज़े का है। इसका क्योंकि हैंडल इस तरह का बनाया गया, बंदा अजीब बैठा बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन इसके जो बंदे के जो हाथ हैं वो थोड़े तिरछे हुए होते हैं इसके अंदर। उसके अलावा अगर बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए, तो इसका इशू अभी भी हल्का फुल्का चल रहा है। कुछ कुछ शहरों में पार्ट्स अक्सर अवेलेबल नहीं होते, अवेलेबल होते भी हैं तो उनके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। अगर मैकेनिक्स की बात कर ली जाए, तो अच्छा मैकेनिक आपको इस बाइक का मिल जाता है, जिसको कार्बोरेटर की सेटिंग अच्छी करने आती है वो मैकेनिक अच्छा है। उसके अलावा अगर बाइक की रोड अट्रैक्शन की बात कर ली जाए, तो जब यह नया नया आया था उस वक्त इसकी रोड अट्रैक्शन थी। अभी भी जिनको नहीं पता इस बाइक के बारे में, वो इस बाइक को देखते हैं फिर मुड़ मुड़ कर, लेकिन आजकल यह आम सा होता जा रहा है बाइक, तो इसकी रोड अट्रैक्शन वैसी नहीं रही जैसे शुरू शुरू में थी। उसके अलावा लास्ट में करते हैं इस बाइक की प्राइस की बात। तो इस बाइक की जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है अभी मैं आपको इसी महीने की बताऊँ, क्योंकि ऑनर ने जो आपको प्राइस बताई थी वो थी उस टाइम की 2018 की, मैं आपको अभी 2020 की प्राइस बताता हूँ। तो इस बाइक की जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,44,500 रुपीज़, और रजिस्ट्रेशन के साथ आपको 250 तक पड़ जाएगा बाइक। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। मुनीब भाई काफ़ी अच्छा आपको एंटरटेन भी किया इन्होंने तो मुनीब भाई अब आपको इजाज़त मिलती है हमारी तरफ से भी, आप जा सकते हैं। अच्छा सुबह सुबह का टाइम है, अभी सुबह के ऑलमोस्ट 6:30 हो रहे होंगे, 7 बजने वाले होंगे, हमने सुबह सुबह इनको तंग किया, तो अब हम इनको भी इजाज़त देते हैं, ख़ुद भी चलते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।